अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी। हरी प्याज टमाटर और सूखे झींगे की सब्जी, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सी सब्जी तैयार हो जाती है। हम यहाँ पर देख लेंगे इंग्रेडिएंट्स। हमने यहाँ पर एक गड्डी हरी प्याज ले ली थी, उसमें तकरीबन 6 प्याज थी, तो हमने पूरी ले ली थी। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसका हमने हरा वाला हिस्सा देखिए काट लिया है अलग, और जो सफ़ेद वाला हिस्सा है उसे हमने अलग लिया है। हरा और सफ़ेद दोनों हिस्से को हमने अलग अलग काट कर रखना है। अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक मुट्ठी के करीब सूखा झींगा ले लिया है और इसे अच्छे से धुलकर हमने साफ़ कर लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं इसकी मुंडी वगैरह हमने निकाल ली और पानी में अच्छे से हमने धुल लिया था। आप अपने हिसाब से झींगे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे 5 मीडियम टमाटर। टमाटर को हमने काट लिया है, ना बहुत ज़्यादा बारीक ना बहुत ज़्यादा मोटा, हमने मीडियम काट लिया है। यहाँ पर लेंगे 5 से 6 हरी मिर्ची, उसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। आप मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से लें। 1/2 छोटा चम्मच जीरा, और यहाँ पे हमने 5 लहसुन की कलियाँ लेके उसे क्रश कर लिया था। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में 1/2 चम्मच तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे हमने जो सूखे झींगे को अच्छे से धुल और साफ करके रखा था, डाल देना है। और इसे हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पर। हमने यहाँ पर आंच तेज़ ही रखी है, इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है चलाते हुए। देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारे झींगे जो है भून चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है, इसे निकाल लेना है, ज़्यादा नहीं भुनना है। यहाँ पर उसी कढ़ाई में हमने 1 बड़ा चम्मच के करीब तेल डाल देना है और तेल को गर्म होने देना है। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें नई नई रेसिपी के लिए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची, ज़ीरा और जो हमने लहसुन क्रश करके लिया था डाल देना है। इसे हमें 1 से 2 मिनट पकने देना है, हल्का सा मिर्ची का कलर चेंज होने तक का। मिर्चियों को हमें चलाते रहना है थोड़े थोड़े टाइम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो मिर्ची का कलर है हल्का सा चेंज हो चुका है। हम यहाँ पर सफ़ेद प्याज डाल देंगे। हमने जो हरी प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा लिया था डाल देना है और इसे हमें स्लो आँच पर थोड़ा सा पकने देना है। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है, तो सॉफ्ट होने तक का हमें पकने देना है। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सी सब्ज़ी बनती है। यहाँ पे देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, हल्की हल्की हमारी प्याज जो है वो भी पक चुकी है। इसे हम चला लेंगे। चलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे हमने जो हरी प्याज ली थी, हरी प्याज डाल देना है पूरा हमें। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पूरी प्याज हरी वाली डाल दी है। ऐसे चला लेना है। चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमने जो टमाटर काट के रखे थे। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सी सब्ज़ी बनती है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती। एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखें आप। देखिए, हमने यहाँ पर टमाटर भी डाल दिया है, हमने पूरा टमाटर डाला है, बचाया कुछ नहीं है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच भर कर नमक डालेंगे। आप जैसा नमक खाते हो कम ज़्यादा उसी हिसाब से डाल लें नमक। इसके बाद इन सब्जियों को हमें चला लेना है और इन्हें हमें चलाने के बाद स्लो आँच पर ढक कर 5 से 7 मिनट पकने देना है, ताकि हमारे प्याज और टमाटर वगैरह है जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अच्छे से चला लिया है। इसे ढक्कन की मदद से ढक देंगे और स्लो आँच पर पकाना है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखनी है, क्योंकि हमने ढक लिया है। अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन हटा लेंगे। अब देख सकते हैं हमारी जो प्याज और टमाटर वगैरह हैं सॉफ्ट हो चुके हैं। हमने बीच बीच में चला भी लिया था जो 5 से 7 मिनट के लिए हमने पकने के लिए रखा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से गल चुके हैं, हमने चम्मच की मदद से दबा कर देखा। अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो सूखे झींगे लिए थे, डाल देना है। सूखे झींगे डालने के बाद इसे हम वापस से अच्छे से चला लेंगे और चलाने के बाद हमें इन्हें वापस से ढक कर 5 मिनट तक का स्लो आँच पर पकने देना है। एक बार इस तरीके से सब्जी बना कर देखें,
सब उंगलियां चाट जाएंगे। बहुत ही टेस्टी खट्टी तीखी सी सब्जी तैयार होती है। यहाँ पर हमने ढक्कन ढक देना है। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमने ढक्कन हटा लिया था। 5 मिनट बाद हम इसे वापस से चला लेंगे अच्छे से। देखिए हमने चम्मच की मदद से इसे दबा लिया है। अब देख सकते हैं पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है हमारी सब्जी में। अब हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। आप इस सब्जी को गर्मा गर्म सर्व करें। आप चाहें तो इसे रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, किसी भी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसका टेस्ट सबके साथ बहुत ही अच्छा जाता है। आप चाहें तो चावल के साथ भी खा सकते हैं। चावल के साथ भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं तैयार है हमारी गर्मा गर्म हरी प्याज टमाटर और सूखे झींगे की बहुत ही और टेस्टी सी सब्जी। आप इसे अपने हस्बैंड के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये एक टिफ़िन की भी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाएं।